हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा गाइस। और आज मैं एक अपने हेयर की मसाज करने वाली हूँ। ये वाला ऑयल मैंने कल ही प्रिपेयर किया था, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप प्लीज़ चेकआउट कर सकते हो। तो आज मैं हेयर की मसाज करने वाली हूँ और एक हेयर स्टाइल बनाने वाली हूँ। तो गाइज़ अभी हम अपने हेयर पे करेंगे ऑयलिंग। मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है बिकॉज़ वो ज़्यादा लंबी हो रही थी। तो सबसे पहले तो आपको अपने हेयर को सुलझाना है, जैसे कि मैं सुलझा रही हूँ। हर बार हम पहले अपने हेयर को सुलझाते हैं, वो इसलिए ताकि हमें जब हम हेयर वॉश करें या कॉम करें या कोई भी एप्लीकेशन करें अपने हेयर पर, तो हमारे हेयर उलझे ना, और अगर उलझेंगे नहीं तो ज़्यादा टूटेंगे भी नहीं। ठीक है जी, तो ये स्टेप कंपलसरी है, आपको ज़रूर इसे अपनी रूटीन में, हेयर के रूटीन में शामिल करना है। ठीक है, तो देखिए वीडियो में शायद थोड़ा सा आपको तेज़ लग रहा होगा, लेकिन मैं बहुत ही आराम से कर रही हूँ, अपने हेयर को सुलझा रही हूँ अच्छे से। आपको भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए कि मैं कैसे कैसे स्टेप कर रही हूँ। तो गाइज़ इस वाले टाइम में मेरे हेयर बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, ये कुछ हद तक नॉर्मल भी है, लेकिन मैं काफ़ी हद तक इन्हें क्योर करती रहती हूँ, तो इस वजह से मेरे हेयर ज़्यादा नहीं झड़ते। ठीक है, तो ये देखिए मैंने ये वाला ऑयल कल ही प्रिपेयर किया था, जो आपको साइड पे दिख रहा है ना, जिसमें से मैं लगा रही हूँ। आपको अपने हेयर की पूरी स्कैल्प पे, बालों की पूरी जड़ों पर इसकी मसाज करनी है, जैसा कि मैं कर रही हूँ। आप देखिए, तो देखिए पूरी मांग निकाल निकाल कर अपने पूरे हेयर की स्कैल्प पे से अप्लाई करना है इस वाले ऑयल को। ये ऑयल गाइस बहुत ही बेनिफिशियल ऑयल है, आपको कोई भी एक्सपेंसिव ऑयल लेने की मार्केट से ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरी ये वाली ऑयल प्रिपेयरिंग की वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑयल है विंटर सीजन के लिए। तो वैसे तो मैं ज़्यादातर कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कोकोनट ऑयल नहीं यूज़ किया है। विंटर में मैं अपना ऑयल चेंज कर देती हूँ सिर्फ हेयर के लिए। ठीक है, अदरवाइज़ मैं स्किन के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ। अगर आप देखना चाहते हो कि मैं विंटर के लिए, हेयर के लिए कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, तो आप वो वाली मेरी वीडियो चेकआउट कर सकते हो। तो देखिए गाइज़ मैं कैसे मसाज कर रही हूँ अपने हेयर की। आपको भी ऐसे आसान तरीके से मसाज करनी है, आपको कम से कम 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। मेरी ये अगर अभी मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो इस वजह से जो वीडियो है वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन मुझे तकरीबन इसे 20 मिनट लगे थे अपने हेयर की मसाज करने के लिए। तो आपको भी इतना टाइम तो लगाना ही लगाना है। ठीक है गाइज़, तो देखिए कोई भी आलों की जड़ों को आपको छोड़ना नहीं है, तभी इस ऑयल के सारे बेनिफिशियल गुण आपके हेयर को मिल पाएंगे। अच्छी तरह से मसाज करनी है, जैसा कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया है कि आपको 15 से 20 मिनट लगने ही चाहिए अपने हेयर की मसाज करने के लिए, इतना तो कंपल्सरी है गाइज, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप चाहो तो संडे वाले दिन भी कर सकते हो, आप चाहो तो अपने हेयर की नाइट में भी अपने हेयर की मसाज कर सकते हो, और नेक्स्ट डे आप अपना हेयर वॉश कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसी अच्छे हेयर चाहिए, तो लॉन्ग हेयर चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत तो उठानी पड़ेगी, थोड़ी सी खेचल तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, वीडियो की स्पीड बढ़ाने की वजह से थोड़ा सा तेज़ लग रहा है कि मैं तेज़ मसाज कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं बहुत ही धीरे से मसाज कर रही हूँ गाइस। तो आपको भी धीरे धीरे से अपने फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करके मसाज करनी है। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल वैसा ही करना है गाइस। इसीलिए तो मैं कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऐसे वीडियो को देखकर भी कई बार समझ में नहीं आता है, लगता है कि वो तेज़ी कर रहे हैं, तो तेज़ी नहीं करना है, वो वीडियो की स्पीड बढ़ाई हुई होती है। ठीक है, वीडियो की स्पीड भी गाइज बढ़ानी पड़ती है, ये भी मजबूरी है एक तरह की, क्योंकि आप लोग इतनी बड़ी वीडियो नहीं देखते हो। ठीक है, तो आपको आधी अधूरी वीडियो देख के भी अच्छी तरह से रिजल्ट्स नहीं मिलते। ठीक है,
तो अभी देखिए मैंने अपने हेड को डाउन कर लिया है और हेयर आगे की तरफ देखिए कर लिए हैं। तो अभी हमें पीछे की स्कैल्प की भी मसाज करनी है अपने हेयर की जड़ों की, जैसे आगे की थी हेयर की वैसे ही पीछे की जड़ों की भी करनी है, तभी तो इक्वल हमारे हेयर ग्रोथ होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं छोटे बड़े नहीं आएंगे, तभी जो हमारी चोटी है वो मोटी बनेगी। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैं कर रही हूँ बिल्कुल वैसा ही करना है। तो देखिए गाइस, आवाज़ में गाइस थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बिकॉज़ मुझे कोल्ड हुआ है, तो इस वजह से तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा। अभी आप हेयर को दो पार्टीशन में कर लीजिए, दो हिस्से कर लीजिए अपने हेयर के। तो हेयर की लेंथ पे भी ऑयल को अप्लाई करना है। ठीक है, जड़ों को ही नहीं हेयर की लेंथ को भी मॉइस्चराइज़र की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अभी तो जैसा विंटर सीजन चल रहा है, ठीक है, हमारी स्किन के साथ साथ हमारे हेयर का भी मॉइस्चराइज़र उड़ जाता है, तो हमें उसे मेंटेन कर रखना है। इन छोटे छोटे स्टेप से, होम रेमेडी से हम इसे काफ़ी हद तक क्योर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त इतनी है कि आपको इनको टाइम देना पड़ेगा, प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने की है, पूरे टिप तक आपको ऑयल अप्लाई करना है। अभी दूसरे हेयर पे भी कर लेंगे वैसे ही जैसे कि मैं कर रही हूँ। गाइस जब भी मैं अपने हेयर पे कुछ भी अप्लाई करती हूँ, मसाज करती हूँ हेयर की, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना इसे आपके साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि मैंने आपके साथ हेयर ग्रोथ जर्नी स्टार्ट की हुई है, तो ये भी उसका एक हिस्सा है गाइस। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारी हेयर ग्रोथ जर्नी का, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए जैसा कि मैं कर रही हूँ वैसे ही आपको सारे स्टेप्स करने हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मसाज करनी है आपको। तो अभी आप अपने हेयर को कॉम कर लेंगे। तो देखिए जैसा कि मैं कर रही हूँ अभी, क्योंकि मसाज करने की वजह से भी हेयर हमारे उलझ गए हैं, तो हमें उसे सुलझाना होगा कॉम की मदद से। ठीक है, आप अच्छे से सुलझा लीजिएगा। तो जैसा कि मैं कर रही हूँ आसानी से, ठीक है, तो आपको वैसे ही करना है। तो गाइज आपको धीरे धीरे ही अपने हेयर को कॉम करना है, क्योंकि अभी भी आपके थोड़े थोड़े हेयर झड़ेंगे क्योंकि उलझ गए हैं ना, इसलिए क्योंकि अभी हम थोड़े थोड़े सुलझा लेंगे ना हेयर को, तो जब वॉश करेंगे तो इतने नहीं झड़ेंगे। ठीक है, तो इतने इतना नॉर्मल बात है गाइज। ठीक है, इतनी दिक्कत तो उठानी ही पड़ेगी, ऐसा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मेरे हेयर तो बहुत ही झड़ रहे हैं, लेकिन मैं क्योर करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो मुझे इतने ज़्यादा महंगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम थोड़ा थोड़ा करते जाएँ तो इतना ज़्यादा नहीं ना ज़रूरत पड़ती, तो आपको भी वैसा ही करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं स्टेप्स कर रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही करने हैं, आराम से करना है, खींचने नहीं है अपनी हेयर। तो देखिए मेरे हेयर भी झड़ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके ही झड़ते हैं, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके हेयर ना झड़ते हो। तो अभी देखिए मैं अपने हेयर को अच्छी तरह से सुलझा लिया है, अभी मैं अपने हेयर की चोटी बनाऊंगी अच्छे से मसाज करने के बाद, ना ही ज़्यादा टाइट ना ही ज़्यादा लूज़, बिल्कुल मीडियम। ठीक है, जैसा कि मैं बना रही हूँ आप देख लीजिए कि मैं कैसे कर रही हूँ। तो देखिए मैं अभी चोटी बना रही हूँ गाइस, आप अपने हिसाब से भी कोई अपना हेयर स्टाइल कर सकते हो, लेकिन मुझे ये रिक्वेस्ट आई थी कि मैं फोल्ड चोटी बनाकर दिखाऊं, तो कमेंट आया था मुझे एक, तो अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट को पूरा करना तो हमारा फ़र्ज बनता है, तो मैंने सोचा कि ना मसाज भी कर ली जाए हेयर की और इस रिक्वेस्ट को भी पूरा कर दिया जाए। ठीक है, तो अभी मैं चोटी बनाकर अपनी जो इसे फोल्ड करूँगी, तो आप देख लीजिए
ये कैसे कर रही हूँ, नीचे के हेयर को बालों के सुलझाते जाइए तो चोटी आपकी अच्छी दिखाई देगी। तो देखिए गाइस, मेरे ना हाथ नीचे तक थक गए थे चोटी बनाते बनाते, तो अभी मैं चोटी को पीछे करूँगी। आप देखिए, ये मेरे पास छोटा सा रिबन था गाइस। आप जो स्कूल में गर्ल्स, जब हम स्कूल टाइम में जाते हैं तो ऐसे रिबन डाल के जाते हैं, तो रिबन मेरे पास ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, तो इससे अच्छी तरह से हो भी नहीं पाया, लेकिन फिर भी अच्छी बन गई चोटी। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी मैंने पीछे की है चोटी, तभी मैं नीचे वाली चोटी को बना पा रही हूँ, अदरवाइज चोटी नीचे तक जा रही है तो मुझसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। रिबन आप थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए, मेरे पास छोटा ही था क्योंकि मैं कौन सा यूज़ करती हूँ अभी। ठीक है, तो जो था मैंने उसी को यूज़ कर लिया, कोई पैसा थोड़ी ना खर्च करना है हमने। तो देखिए गाइस, जैसा कि मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल वैसा ही करना है। आपके पास अगर बड़ा अच्छा सा रिबन होगा तो आप चोटी के ऊपर जो जहाँ पे इसे सिक्योर करेंगे वहाँ पे एक फ्लावर भी बना सकते हो, लेकिन मेरे पास छोटा ही था गाइस, तो इसलिए अंडरस्टैंड करना। लेकिन मैंने फिर भी फोल्ड कर दिया उसको जैसे तैसे करके। ठीक है, तो आप देख लीजिए। तो देखिए अभी मैंने रिबन पूरा उसे सिक्योर कर दिया है, अभी मैं इसे फोल्ड कर दूंगी। तो आप देखिए कैसे कर रही हूँ। आप ऊपर भी कर सकते हो, जहाँ से हमने चोटी स्टार्ट की है वैसे भी फोल्ड कर सकते हो, लेकिन मैं हम जब स्कूल टाइम पे ये चोटी बनाते थे तो मैं बीच में ही करती थी, तो उससे पता क्या होता था, तब मेरे हेयर इतने लॉन्ग नहीं थे तो उसे ना चोटी थोड़ी लंबी लगती थी, तो इसलिए हम सेंटर में से ही उसे फ्लावर बना देते थे। तो मुझे अभी वही आदत थी, मुझे ऊपर बांधने की आदत नहीं है, तो आप चाहो तो ऊपर भी बांध सकते हो जहाँ से आपने चोटी स्टार्ट की है। तो देखिए, आप चाहो तो गाइज इसकी इसके मतलब इसके जो इसकी जगह पे आप अपना बन भी बना सकते हो, कोई चोटी का चोटी बनाकर बन बना सकते हो अच्छा सा, तो वो भी आपका एक हेयर स्टाइल हो जाएगा, उसके ऊपर गजरा वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी मुझे चोटी की रिक्वेस्ट थी तो मैंने चोटी बनाई है, तो आप देख लीजिए मैंने फोल्ड कर ली अच्छी तरह से। आपको कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ठीक है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, तो मैं बन की पिक भी आपको दिखा दूंगी।